टॉपिक डिस्कस करूँगी वो है स्पिन रिलैक्सेशन। अब इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को थोड़ा सा आपके साथ रिवाइज करूँगी। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आप लोगों के पास जो है वो दो स्पिन स्टेट्स हैं, ठीक है, अल्फा स्पिन स्टेट एंड बीटा स्पिन स्टेट। लेकिन आप लोगों के पास जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है वो अल्फा स्पिन स्टेट में हमेशा ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बीटा स्पिन स्टेट। अब बेटा पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ व्हाट? पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ योर स्पिनिंग न्यूक्लियाई, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ योर स्पिनिंग न्यूक्लियाई जो है वो अल्फा स्पिन स्टेट में हमेशा ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ बीटा स्पिन स्टेट। और यही NMR स्पेक्ट्रम को कॉन्टीन्यूस रन करने के लिए एक प्राइमरी कंडीशन भी है, आप ये कह लो, ठीक है। अब आप लोग देखो कि एक तो अब ये कंडीशन है जो कि बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग है, जिसमें आप लोगों के पास जो है वो अल्फा स्पिन स्टेट में पॉपुलेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू योर बीटा स्पिन स्टेट, ठीक है। एक आप लोगों के पास देखो ये कंडीशन है जिसमें आपके पास अल्फा स्पिन स्टेट के न्यूक्लियाई जो हैं वो इक्वल हैं बीटा स्पिन स्टेट के। और इसके अलावा आपके पास एक और जो है वो कंडीशन होती है जिसमें आपकी बीटा स्पिन स्टेट में जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ अल्फा स्पिन स्टेट, ठीक है। लेट्स से तीसरी पॉसिबिलिटी मैं यहाँ पे ऊपर बना देती हूँ, ठीक है, जिसमें आप लोगों के पास जो है वो बीटा स्पिन स्टेट में आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है और अल्फ़ा में क्या होती है कम रह जाती है पॉपुलेशन आपकी। तो बेटा अब क्वेश्चन ये है ना कि क्या हमारे NMR स्पेक्ट्रम के कॉन्टीन्यूस सिग्नल के लिए ये तीनों कंडीशंस जो हैं वो ठीक हैं, या इनमें से कोई भी एक कंडीशन होगी तो हम लोगों के पास जो है वो NMR स्पेक्ट्रम के कॉन्टीन्यूस सिग्नल्स आएंगे। तो इसका आंसर बेटा ये है कि ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप लोगों के कॉन्टीन्यूस सिग्नल इन NMR स्पेक्ट्रम के लिए सिर्फ इस कंडीशन का होना ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास अगर ये वाली कंडीशन हुई, ठीक है, या ये वाली कंडीशन हुई, तो इन दोनों कंडीशंस में आप लोगों के NMR स्पेक्ट्रम के अंदर जो है वो सिग्नल्स आना बंद हो जाएंगे और आपके सिग्नल्स जो है वो स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। तो एक तो आप लोग देखो कि सबसे पहले आप लोगों के पास जो है वो अल्फा स्पिन में आपकी ये पॉपुलेशन डेंसिटी है, लेट्स से 4, ठीक है, और बीटा स्पिन स्टेट में आप लोगों के पास 2 है। अब जब आप लोग इसको RF पल्स देते हो, RF पल्स क्या होती है, आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स, ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स होती है। तो आपकी जब इस रेडियो इस आपकी पल्स की फ्रीक्वेंसी जब आपके स्पिनिंग न्यूक्लियाई की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होगी, स्पिनिंग न्यूक्लियाई की फ्रीक्वेंसी को बेटा क्या कहते हैं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपका जो न्यूक्लियाई है वो प्रिसीजन कर रहा होता है और प्रिसीजन भी वो किसी फ्रीक्वेंसी के साथ कर रहा होता है। तो उस प्रिसीजनल फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रिसीजनल फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहते हैं लार्मर फ्रीक्वेंसी। तो आपके जब अल्फा स्पिन के अंदर मौजूद न्यूक्लियाई की लार्मर फ्रीक्वेंसी आपके पल्स की जो है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होगा, तो आपका ये वाला न्यूक्लियाई जो है वो एक्साइट करके बीटा स्पिन स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोग देखो एक कंडीशन आप लोगों के पास ऐसी आएगी कि जब आप लोगों के पास अल्फा स्पिन स्टेट के अंदर मौजूद आपके न्यूक्लियाई जो हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते करते जो है वो बीटा स्पिन स्टेट के अंदर जो है वो एक्साइट होकर चले जाएंगे, और एक पॉइंट आप लोगों के पास ऐसा आएगा कि आपकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो अल्फा स्पिन स्टेट और बीटा स्पिन स्टेट दोनों में क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। अब आप लोग देखो तो ये बीटा स्पिन स्टेट डिवाइड बाय अल्फा स्पिन स्टेट आप लोग कर लो, तो अगर इन दोनों में मैं वैल्यू डालूँ तो क्या होगा, 3/3 इज इक्वल टू क्या, 1, ठीक है। तो इस कंडीशन को, जिस कंडीशन में हम लोग के अल्फा स्पिन स्टेट में और हम लोग के बीटा स्पिन स्टेट में जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी इक्वल हो जाती है, उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं वो क्या है, एक सैचुरेशन पॉइंट है, ठीक है।
इस सेचुरेशन पॉइंट में क्या होता है बेटा, इस सेचुरेशन पॉइंट में हम लोगों के पास जो है वो एनएमआर स्पेक्ट्रम, अब हम लोगों के पास एक एनएमआर स्पेक्ट्रम होता है ना, कुछ इस टाइप का, कुछ ऐसे सिग्नल्स दे रहा होता है वो। ठीक है, इस किस्म के सिग्नल्स वो दे रहा होता है। लेकिन जैसे ही आप लोगों का ये सेचुरेशन पॉइंट आ रहा है बेटा, तो क्या होगा कि आपका यहाँ से ये जो आपके सिग्नल्स आ रहे हैं, ये सिग्नल्स आने जो हैं वो स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, अब आपके पास मज़ीद कोई सिग्नल नहीं आएगा। ठीक है, आपके पास मज़ीद कोई सिग्नल भी नहीं आएगा और आप क्या ये एज ए स्ट्रेट लाइन आप लोग इसको ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, तो इसलिए आपकी जो है वो हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को एनएमआर स्पेक्ट्रम के अंदर कॉन्टिन्यूस सिग्नल्स चाहिए होते हैं। ठीक है, जो इस केस में भी पॉसिबल नहीं है, जिसमें हम लोगों के पास बीटा स्पिन स्टेट में जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा हो जाए, तब भी हम लोगों के पास कॉन्टिन्यूस सिग्नल्स आना बंद हो जाते हैं। तो अब हम लोगों ने बेटा क्या करना है कि हम लोगों के पास जो है वो एक कॉन्टिन्यूस सिग्नल आए, एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम आए। ठीक है, अब बात जब एनएमआर की कर रहे हैं तो आगे हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ ना कुछ एनएमआर स्पेक्ट्रम्स होते हैं। ठीक है, तो उन स्पेक्ट्रम्स के अंदर हम लोगों के पास जो है वो कॉन्टिन्यूस सिग्नल्स का आना लाजमी है। तो उसके लिए हमें इस कंडीशन को जो है वो मेंटेन रखना लाजमी है। ठीक है, जिसके अंदर अल्फा स्पिन स्टेट की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो हमेशा ज़्यादा हो हमारे बीटा स्पिन स्टेट से। क्लियर होगी बात? तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोग एक फिनोमेना को ऑब्जर्व करना होता है हम लोगों को, और उसे कहते हैं रिलैक्सेशन प्रोसेस। ठीक है, अब रिलैक्सेशन प्रोसेस में क्या होता है कि आपके जो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं ना आपके न्यूक्लियाई, वो दोबारा से रिलैक्स होके अल्फा स्पिन स्टेट में आ जाते हैं, मतलब लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? ताकि आप लोगों के पास जो अल्फा स्पिन स्टेट के अंदर आप लोगों की पॉपुलेशन डेंसिटी है वो क्या रहे, एक्सेस में रहे, मतलब वो हमेशा ज़्यादा रहे। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए हम लोगों ने क्या करना है, अब इस रिलैक्सेशन प्रोसेस को पढ़ना है। ठीक है, अब जब आप लोग ये जो रिलैक्सेशन प्रोसेस होता है, बेसिकली इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये स्पिन रिलैक्सेशन है, क्योंकि आप लोग जब भी बात कर रहे होते हो आप लोग स्पिनिंग न्यूक्लियाई की बात कर रहे होते हो। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बात करेंगे स्पिन रिलैक्सेशन की। ठीक है,